मैं डॉक्टर राकेश राय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नागालैंड यूनिवर्सिटी, कोहिमा कैंपस, नागालैंड। आज हम दर्शन के मूलभूत शाखाएं एवं दर्शन के जो प्रथम संप्रदाय है आदर्शवाद के योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले, व्हाट डू मीन बाय फिलॉसफी? दर्शन क्या है? दर्शन के बारे में अनेक फिलॉसफर अपने अपने अनुसार व्याख्या किए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिलॉसफी दर्शन अंतिम सत्ता का तार्किक खोज है। इट मीन्स कि दर्शन वह सत्ता है जिससे हम अल्टीमेट अंतिम सत्ता के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी? दर्शन की मुख्य शाखाएं क्या हैं? दर्शन की मुख्य शाखाएं तीन रूप में है। पहला, तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी। व्हाट इज द मेटाफिजिक्स? तत्वमीमांसा क्या है? तत्वमीमांसा वह शाखा है जो दर्शन के तत्व संबंधित समस्याओं का विवेचन करता है। तत्व संबंधित समस्याएं मीन्स अस्तित्व क्या है, अस्तित्व का स्वरूप क्या है, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है। इट मीन्स विच ब्रांच डील्स द प्रॉब्लम ऑफ रियलिटी, या वह शाखा जो अस्तित्व के स्वरूप के बारे में अध्ययन करता है वो कहलाता है तत्वमीमांसा। व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा मीन्स विच ब्रांच डील्स द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की सीमाएं, ज्ञान की विधियां, ज्ञान की सीमाएं आदि संबंधित समस्याओं का अध्ययन दर्शन शास्त्र की जो शाखा करती है उसे कहते हैं ज्ञान मीमांसा। व्हाट इज एक्जियोलॉजी? मीन्स मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा मीन्स दर्शन की वह शाखा जो मूल संबंधित शुभ अशुभ, अनुमोदन अनुदमन, उचित अनुचित आदि तरह के समस्याओं का अध्ययन जो करता है वो कहलाता है एक्जियोलॉजी। इसमें दर्शन का जो प्रथम संप्रदाय है वह कहलाता है, वह है आदर्शवाद। व्हाट इज आइडियलिज्म? आइडियलिज्म इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक फिलॉसफी इन द वेस्टर्न थॉट, एंड आदर्शवाद के जो सबसे बड़ा समर्थक थे वो थे सोक्रेटिस या सुकरात और प्लेटो। व्हाट इज आइडियलिज्म? आइडियलिज्म शब्द आइडियाज से निकला है जो प्लेटो ने दिया था, इसलिए आदर्शवाद का जो आधार है प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज है। आदर्शवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक सत्ता को मूल तत्व मानता है। मीन्स आइडियाज आर रियल। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म? आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है? पहला, आदर्शवाद का मुख्य सिद्धांत मीन्स आइडियाज रियल, विचार ही सत्य है, सार्वभौमिक मूल्य ही सत्य है, आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास, क्यों, स्पिरिचुअल क्वालिटी में विश्वास, आध्यात्मिक गुणों में विश्वास, मूल्य अपरिवर्तनशील है। ये आदर्शवाद के सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, व्हाट इज द मेटाफिजिक्स? इसीलिए आदर्शवाद तत्वमीमांसा में कहता है कि आध्यात्मिक तत्व ही सब कुछ है, मीन्स आत्मा परमात्मा ईश्वर ब्रह्मा ही रियल सब्सटेंस है। एपिस्टेमोलॉजी, आदर्शवाद किसी भी अनुभविक ज्ञान को नहीं मानता, कहता कि जो ज्ञान है वह पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। मूल्य, जहां तक मूल्यों की बात है, आदर्शवाद किसी भी टेम्पररी वैल्यू को नहीं मानता। आदर्शवाद के अनुसार मूल्य वह है जो हमें पहले से निर्धारित होता है। व्हाट इज द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? आज अब हम अध्ययन करेंगे कि आदर्शवाद का शिक्षा में क्या योगदान है। तो पहला क्वेश्चन, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। दूसरा ऑब्जेक्टिव सेल्फ रियलाइजेशन, मीन्स अपने अस्तित्व के बारे में जानना। इसलिए दूसरी बात, व्हाट इज द मेथड? आदर्शवाद किसी भी फिक्स मेथड को नहीं मानता, लेकिन यह संवाद विधि प्रश्नोत्तर विधि दोनों विधियों का महत्वपूर्ण समर्थक है। रही बात पाठ्यक्रम की, तो आदर्शवाद
पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटता है, एक स्पिरिचुअल कोर्स आध्यात्मिक, दूसरा भौतिक। सो आदर्शवाद किसी भी मटेरियल सब्जेक्ट पर बल देता है लेकिन कम, जबकि सबसे बड़ा बल देता है किस पर देता है, वो देता है फिलोसफिकल स्पिरिचुअल कंटेंट लाइक एथिक्स, फिलॉसफी, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए ताकि बच्चों का नैतिक मूल्यों का विकास, सार्वभौमिक मूल्यों का विकास हो सके। दूसरी बात अनुशासन, आदर्शवाद किसी भी बाह्य अनुशासन को नहीं मानता है, वह मानता है किसको, सेल्फ अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन मींस आत्म अनुशासन। सो दूसरी बात कि टीचर का रोल, आदर्शवाद किसी भी टीचर को कहता है कि टीचर क्या प्रमुख होता है, टीचर के बिना ज्ञान सब नहीं, इसीलिए गुरु ब्रह्मा मींस गुरु क्या है, ब्रह्मा है, ईश्वर है, यदि हम गुरु मींस जो भी कंटेंट है वो टीचर पाता है वो सत्य है, इसीलिए यह शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देता है। रहा सवाल विद्यार्थी, सो विद्यार्थी आदर्श के अनुसार सेकेंडरी प्लेस है, जब टीचर का रोल क्या है प्राइमरी। आदर्शवाद किसी भी पाठ्यक्रम का अनुशासन का रोल की दृष्टि से वो आदर्शवादी है। लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, तो आज हमारे पास मॉडर्न सोसाइटी में हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन मॉरल वैल्यू क्या हुए गिर रहे हैं, तो आज हम नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए, धर्मनिष्ठता के पालन के लिए, एकता के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए आज भी आदर्शवाद के विचारों का महत्वपूर्ण स्थान हमारे बीच में है और रहेगा, क्योंकि कितना भी हम विकास कर सकें जब तक अपने वैल्यू को, आंतरिक मूल्य को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम परफेक्ट मैन नहीं बन सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु विचारधारा है। धन्यवाद।